आज हम बनाने जा रहे हैं दूधी और बेसन का रायता। तो इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले हम इसका छिलका निकाल देंगे और इस तरह से क्रश करना है। ये देखिए हमने कर दिया है, दो तीन कली लहसुन की, वो भी इस तरह से हमने क्रश कर दिया है। एक हरी मिर्च, इसको भी इसमें इसके साथ ही क्रश कर देंगे। अभी हमें एक छोटा सा बोल लेना है, इसमें ये सारा मसाला डाल देना। अभी हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी धनिया पाउडर, जीरा, नमक स्वाद के अनुसार। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेसन और हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, तीन या चार चम्मच हमने बेसन लिया है। अगर कम पड़े तो और डालेंगे हम इसमें, क्योंकि दूधी में पानी छोड़ता है तो गीला हो जाएगा। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करना है। देखिए हमने मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा गीला बन गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा बेसन और डालेंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और इस तरह का पेस्ट बना दिया हमने। हम तवे पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे, जब तवा गर्म हो जाए तब ये पेस्ट बनाए हैं वो इस पे डालना है। और इसको हम फैला देंगे अच्छी तरह से। हम इसकी दो रोटी भी बना सकते हैं, मैंने इसकी एक ही बनाई है इस तरह से। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम सेकेंगे। देखिए पूरे में हमने ऑयल डाल दिया है। अभी हम इसको पलटी करेंगे, इस ज़्यादा शायद कड़क हो गया है, इसमें स्मेल आने लगी है। इसको मीडियम आंच पे ही पकाना है, ज़्यादा फास्ट आंच पे नहीं पकाना है। देखिए थोड़ा सा जल गया बीच में से, अभी दूसरी साइड में से भी हम पका लेंगे इसको। यहाँ पे भी हम ऑयल डालेंगे और सब जगह पे लगा देंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं, दूसरी साइड से भी सिक गया देखिए। अभी हम इसको नीचे उतार देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अभी हम तड़का बनाएंगे रायते के लिए। तो तवे पे हमने एक चम्मच तेल डाला है, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा। जब ये चटकने लग जाए तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक। इसको हमने कद्दूकस कर लिया है और इसको हम गैस को ऑफ कर देते हैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और दूसरी तरफ हम दही तैयार करना है। दही को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने मिक्स कर दिया है और जो तड़का बनाया था वो इसमें ऐड करना है। और जो हमने रोटी बनाई है वो भी ठंडी हो गई है, तो इसको हम बारीक बारीक हाथों से ही मसल देंगे। आप कटिंग भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से मसल दिया है और इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया हमें बारीक बारीक कटिंग करना है। ये रायता बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी भी लगता है और गर्मियों के मौसम में इसको फ्रिज में रख के खाए तो और भी अच्छा लगता है। देखिए हमारा रायता बनके रेडी हो गया है, अब मैं इसको सर्व करूँगी। देखिए एक कटोरी में हम थोड़ा सा डाल देते हैं, इसके ऊपर हम हरा धनिया गार्निश करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है।
हम इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला मैंने, थोड़ा सा धनिया, ये देखिए